हे गाइस, स्वागत है आप सबका पोकेमोन लास्ट फायर के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे सेलेडॉन सिटी। आने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, हम लोगों ने बस एक अल्ट्रा बीस्ट को पकड़ लिया था, एज वेल एज़ हम लोगों ने एरिका को भी चैलेंज करने का ट्राई किया था, लेकिन एरिका थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। रेडिकल रेड में भी तो हम लोग हार ही गए थे उससे, बट इस गेम में हम लोग उसको कुछ भी करके डिफीट कर देंगे। एज वेल एज़ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में हमारे ग्रीनिंजा की बैटल बॉन्ड एबिलिटी तो कर दी थी, बट उसको यूज़ एक भी बार नहीं किया था। आई गेस कर दी थी कि नहीं कर दी थी, आई गेस की थी मैंने, आई गेस मेरे को देखना होगा, लेट सी। जी हाँ गाइस, हमने बैटल बॉन्ड तो एबिलिटी कर दी थी, लेकिन उसको यूज़ करने को हमें मतलब चांस ही नहीं मिला था। एज वेल एज़ आप लोगों ने एक और बात मेरे को बताया कि मेरे को जाइगेंटामैक्स करना चाहिए मेरे चारिज़ार्ड को, उसको मेगा इवॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे को ये भी बता दिया था कि इसको आउटरेज सिखाना चाहिए, तो हम लोग इससे उसको आउटरेज सिखा सकते हैं। ये एक मूव ट्यूटोरियल है, ट्यूटर है, आई गेट ट्यूटर है, तो लेट सी। इसके पास आउटरेज तो है यहाँ पे, चलो इसको आउटरेज यहाँ से हम लोग सिखा देंगे। और कौन सा मूव हटाऊँ देखा जाए तो देखो गाइस, चारिज़ार्ड एक्स हमारा मतलब नहीं, हम लोग इसको जाइगेंटामैक्स करने वाले ना, तो आउटरेज कौन सा मूव हटाऊँ, आई गेस स्लैश हटा देता हूँ। वैसे भी स्लैश कुछ काम का नहीं है मेरे इस गेम में, बाकी गेम में स्लैश बहुत काम का है, बट इस गेम में मेरे को स्लैश कुछ काम आता ही नहीं है। ओके डन, ओमकार पेड फॉर द सर्विस। ओके, एक हार्ट स्केल चली गई। एंड एक और चीज़ आप लोगों ने मेरे को बता दिया था कि गाइस हम लोगों ने यहाँ से जाके मतलब ये गेम कॉर्नर के जहाँ पे हम लोग गिफ्ट विदड्रॉ करते हैं, इससे तीसरे वाले पर्सन से बात कर सकते, तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा TM खरीद सकते हैं जो कि होने वाला आइस बीम, तो हम लोग इसको ख़रीद लेंगे और इसको हम लोग हम सिखा देंगे। आपको तो पता ही है किसको सिखाएंगे, पहले देखते हैं ये हम लोग किस किस को सिखा सकते हैं हमारे टीम में। सबसे पहले हम लोगों को TM केस में जाना होगा यहाँ पे, लेट सी। ओके, हमारा ग्रीन निंजा ही सीख सकता है और कोई सीख ही नहीं सकता, तो हम लोग इसको ज़रूर सिखाएंगे। लेट सी अब हम लोग इसको कौन सा मूव हटाएंगे। यार गाइस, वाटर शुरिकेन काफ़ी वीक मूव है, बट आप लोग बोल मतलब मैंने सुना था अनिकेत का, तो यही अनिकेत ने मेरे को बोला था कि एक बार अगर वो शाइनी ग्रीन मतलब जस्ट लाइक बैटल बॉन्ड के बाद वो अपना फॉर्म चेंज कर देगा तो वाटर शुरिकेन में बहुत तगड़ा अटैक बन जाएगा, तो हम लोग उसके ऊपर भरोसा रख के उसको नहीं हटाएंगे। हम लोग ये एक्स्ट्रांसर ही हटाओ क्या, स्मैकडाउन को मेरे को लगेगा अगर कोई फ्लाइंग टाइप ऑब्जेक्ट आ गया जस्ट लाइक पोकेमोन आ गया, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी को हटा देते हैं। एंड अभी हम लोग क्या करना बाकी था, हाँ एक और बात, आप लोगों ने मेरे को बता दिया था कि जो मैंने अल्ट्रा बीस लास्ट एपिसोड में पकड़ा था पॉइपल, वो जाके नगाना डेल में इवॉल्व होता है। और गाइज आपको तो पता ही है नगाना डेल ये वही पोकेमोन है जो कि रोहन के पास था पोकेमोन टूर्नामेंट में, जिस पोकेमोन ने मेरे को इम्प्रूव किया था, इम्प्रूव नहीं बोल सकते, इम्प्रेस किया था। तो इसलिए हम लोग यही एक बात ये मतलब मैंने आई नो मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि हम लोग अल्ट्रा बीस को हमारी टीम में नहीं रखेंगे, लेकिन इस बार मैंने इसके साथ ऑफलाइन में ट्रेनिंग भी कर ली है एंड हम लोग इसको अभी इवॉल्व करेंगे। तो उसके इसको इवॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, मैंने पोकेडेक्स में सर्च किया था, इसको इवॉल्व करने के लिए आप लोगों को इसको एक मूव सिखानी पड़ेगी ड्रैगन पल्स, एंड उसके बाद वो इवॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इससे बात कर लेते हैं, जो ये भी एक बंदा है जो हमें मूव सिखाता है, लेट सी। पॉइपल को अगर ड्रैगन पल्स यहाँ पे सिखाने के लिए मिल जाएगा, ओके पहला ही है, तो हम लोग इसको ड्रैगन पल्स सिखाएंगे। एंड गाइस आपको तो इतना पता ही होगा कि पॉइपल या फिर नगाना डेल जो पोकेमोन है ये एक स्पेशल अटैकर पोकेमोन है, तो इसके पास हम लोग स्पेशल अटैकिंग मूव ज़्यादा रखेंगे। ड्रैगन पल्स भी एक स्पेशल अटैक मूव है, नेस्टी प्लॉट तो हम लोग रखना पड़ेगा क्योंकि नेस्टी प्लॉट बहुत काम का अटैक है, ये हटा देंगे वेनम ड्रेंच करके, ये ज़्यादा कुछ तो काम का लगता नहीं है इसलिए हम लोग हटा देंगे इसको। और अभी हम लोगों को इसको एक लेवल प्लस कराना होगा, लेकिन इसके लिए हम लोगों को अभी टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक आइटम है जो कि एक रेयर कैंडी थी, आप लोगों ने मेरे को ये भी बता दिया था, तो थैंक यू गाइस। तो अभी हम लोगों को बस इसके ऊपर एक रेयर कैंडी यूज़ करनी है और फिर हमारा पॉइपल इवॉल्व हो जाएगा। यार बहुत नीचे चले जाएगी रेयर कैंडी, ओके ये रही, चलो इसको ऊपर यूज़ कर लेंगे। एंड आई गेस हमारा अभी पॉइपल इवॉल्व होने के कगार पे हो चुके, हाँ चलो मतलब अभी ये इवॉल्व होगा। और पहली बात तो हमारे पास पॉइपल शाइनी वाला है, तो ये शाइनी नगाना डेल में इवॉल्व हो जाएगा। और वैसे भी मेरे को एक परमानेंट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन चाहिए था मेरी टीम में, तो गाइस आप लोग मेरे को बताना कि ये मेरा डिसीजन कैसा है।
यार गाइस क्या दिख रहा है, सच्ची में बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई मूव सीख रहा है क्या? नगाना डेल, मैं इसको रोहन के साथ बैटल होने के टाइम मैं इसको कुछ भी बोल रहा था। ओके एयर कटर, लेट्स सी ये कौन सा स्पेशल अटैकिंग मूव है कि मतलब फिजिकल अटैकिंग मूव है। ओके वही स्पेशल अटैकिंग मूव है और इट हैज़ हाई क्रिटिकल रेशियो। ओके तो हम लोग टॉक्सिक हटा देंगे क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी के साथ जाना है। टॉक्सिक वैसे भी इस जिम में कुछ काम का नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, टॉक्सिक मतलब ग्रास टाइप के ऊपर काम नहीं करता वो। आई गेस ऐसा कुछ तो होगा। तो आई गेस हम लोगों को 1 मिनट, एक और चीज़ करनी बाकी रह गई थी। हम लोगों को 4000 से वो स्टोन ले लेना है, मेगा स्टोन। और हम लोग अभी आई गेस बैटल करने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो चलो अभी अब जाके एरिका को पहले हराएंगे। पहले यहाँ पे कट यूज़ कर लेते हैं एंड पोकी रेड के साथ जाएंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने मतलब हम लोगों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था एरिका ने, बट इस एपिसोड में हम लोग उसका रिवेंज लेंगे गाइज, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। तो चलो अभी एक काम कर लेता हूँ, मेरे पास शॉपिंग करने की तो थोड़ी ज़रूरत नहीं है। आई गेस हम लोग इसको हरा देंगे इसमें। यहाँ पे बस एक बार मैं गेम सेव कर लेता हूँ। तो चलो ये सब तो बात कर लिया हूँ मैं, तो अभी सीधा बैटल करेंगे इसके साथ क्योंकि मैंने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था। तो लेट सी, इसका पहला पोकेमोन है फेरोथ्रॉन जो कि एक स्टील एंड आई गेस ग्रास टाइप पोकेमोन होगा। तो हम लोग पहले नेस्टी प्लॉट यूज़ करके हमारा फिजिकल अटैक बढ़ा देंगे। ओके ये स्पाइक्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग और बढ़ाएंगे। और एक और स्पाइक्स डाल रहा है, कितने स्पाइक्स डालेगा ब्रो? ओके 3 बार इसने ये कर दिया और अब हमारा ड्रैगन पल्स का अटैक सबसे ऊपर आ चुका है। ओके अभी इसने लीड सीड भी डाल दिया है, मैं मेरा जायगंडा मैक्स फॉर्म वेस्ट नहीं करना चाहता बस। ओके अभी एक काम कर लेते हैं, एग्जीक्यूटर आ रहा है ना। ओके मैं इसी को रखूँगा और इसको जायगंडा मैक्स कर लूँगा और मैक्स ये मतलब जायगंडा मैक्स नगाना डेल और इसके सामने यूज़ कर लेंगे। मेरे को लगा ही था तू भी अपने इसको जायगंडा मैक्स कर लेगी, बट अभी हमारा फिजिकल अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कुछ नहीं। वीनसोर आ रहा है, वीनसोर एक, हाँ चलो इसको भी आने दो, कोई बात नहीं। लेट्स सी मेगा रिव, अरे तू मेगा इवोल्यूशन करी फिर कुछ भी कर, हमारे सामने अगर तू टिक जाएगा ना तो मैं मान जाऊँगा। मेरी स्ट्रैटेजी के सामने कोई नहीं टिकता। अभी भी हमारे पास एक है। ओके 10 ग्रोथ आ रहा है, इसको भी हम लोग आई गेस 1 शॉट किल कर लेंगे क्योंकि नेस्टी प्लॉट बहुत ओपी अटैक है गाइज। अभी हमारा जस्ट लाइक आप समझ सकते हो कि जो मतलब स्पेशल अटैक है वो एकदम टॉप ऑफ द मोस्ट है, मतलब जस्ट लाइक बहुत ओपी है। ओ आई कंकेड डिफीट, ओके कंसीड डिफीट, यू आर द रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग, ओके आई मस्ट कन्फर्म यू ऑन द रेनबो बैज। ओके गाइज हमारा एक ही पोकेमोन ने इसको हरा दिया, मैं खाली फोकट इतना टीम लेके आया, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसको ही तो कहते हैं स्ट्रेटजी गाइज। तो आप लोग मेरे को बताना मेरी स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी, प्लीज़ ऑल्सो टेक दिस विथ यू। गीगा ड्रेन मिला, ओके सही है। ये लोग एरिका कहाँ पे आ रही है, जहाँ पे स्टार्टिंग में इसने हमें मतलब 3 बार नेस्टी प्लॉट यूज़ करने दिया वहीं पे ही हार गई, ये तो हमें पता ही है उस मूव का क्या करना है। तो हम लोगों को अभी यहाँ से चुपचाप निकल लेंगे, यहाँ पे आएंगे देखते हैं हमारा नाम लास्ट। ओ यहाँ पे हमारे हम दोनों का ही नाम है, वो दो ट्रेनर्स का नाम नहीं है जो पहले आते थे यहाँ पे। आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ, बट ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या जाना है, कहाँ जाना है, आई डोंट थिंक सो, बट पहले तो हम लोग पोकेमोन हील कर लेंगे। एंड आई गेस हम लोगों को अभी गेम कॉर्नर में जाना होगा, आई गेस सो, मेरे को नहीं पता, बट पहले तो हम लोग हील कर लेते पोकेमोन को। एंड गाइस नगाना डेल बहुत ओपी पोकेमोन है, एरिका की पूरी टीम खा गया ये। चलो हील कर लेते हमारे 6 के 6 पोकेमोन, थैंक यू नर्स जॉय। अभी हम लोगों को कहाँ पे जाना है, लेट्स सी 1 मिनट। लास्ट एपिसोड में मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जब बैटल की थी यहाँ पे तो ब्रेंडन कुछ तो बोला था, ब्रेंडन को किसका तो मैसेज आया था कि इसको किधर तो जाना है। यहाँ पे तो ये पोकेमोन सोया है, इसको उठाने के लिए हमें पोके फ्लूट लगेगी और पोके फ्लूट हमें देंगे आई गेस पोके। ओह यहाँ पे क्या हो रहा है ये, ओह एक वाइल्ड पोकेमोन, एक सूडो बोडो है ये, हम लोगों को इसको नहीं पकड़ना है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं इसको बैटल भी नहीं करूँगा इसके साथ।
तो मैं कहाँ पे था, हाँ तो गाइज हम लोगों को एक सुडू सुडू वुडू नहीं यार नगाना डेल भी, अरे ये भी नहीं बोलने वाला था, इसने डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों को। ये क्या मिला है ना, आइटम टू बी हेल्ड बाय पोकेमोन, अ बेल्ट दैट बूस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइटिंग टाइप मूव्स। ओके चलो कोई बात नहीं। हेलो दद्दू, हाउ वुड यू गेट इन, गुड एफर्ट्स, थैंक्स। मेरे को कुछ एफर्ट्स करने की बात ही नहीं है, एक ट्री तो काटना था। यहाँ पे घर क्या कर रहा है, आई डोंट नो, लेट्स सी यहाँ पे क्या मिला। ओ पीजीओट का मेगा इवोल्यूशन स्टोन, नाइस। ओ डियर यू हैव फाउंड माई सीक्रेट रिट्रीट, प्लीज डोंट टेल एनीवन, आई एम हियर, आई विल मेक इट अप टू यू ऑन दिस। ओके ओके हमें फ्लाई अच्छा भी मिल चुका है इसी के साथ साथ गाइज। सो गाइज आई थिंक हम लोग अभी फ्लाई यूज़ कर सकते हैं, हमें किसी को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है आई गेस। चारिजार्ड यू कैन यूज़ फ्लाई, नहीं है मेरे को सिखाना पड़ेगा क्या, कि उसके लिए अभी कोई जिम मैच जीतना बाकी है। यहाँ पे क्या मिला, फ्लेम ऑर्ब एन आइटम टू बी हेल्ड बाय पोकेमोन, इट इज़ अ, ये क्या लिखा है, बिजार ऑर्ब दैट इन्फ्लिक्ट्स अ बर्न ऑन होल्डर इन बैटल। फिर क्या फ़ायदा इसका, हाई वुड यू लाइक टू बाय अ एड्रेनलिन ऑर्ब फॉर 5,000 रुपीज़। वो करता क्या है मेरे को कोई आइडिया नहीं, बट दे दे चल, लेट्स सी वो क्या करता है बैग में, बैग में जाके पढ़ी लेंगे हम लोग। मेरे पास नहीं था आई गेस वो। एन आइटम टू बी हेल्ड बाई पोकेमोन, इट बूस्ट स्पीड इफ द होल्डर इज इमिडिएटेड, ओके इंटीमिडिएटेड, ओके कोई बात नहीं। हम लोगों को आई गेस अभी साइकिल रोड पे जाना था, बट यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को अभी, अरे यार इन लोगों के साथ बैटल नहीं करनी थी। समटाइम्स द इंटेंसिटी ऑफ द ऑफ लवर लव स्केयर्स मी, ओके यार इन लोगों के साथ मेरे को बैटल नहीं करनी थी, बट ठीक है अभी आप लोग आ ही चुके हैं। रिला बूम तो क्यों आया सामने, लेट्स यूज नेस्टी प्लॉट एंड लेट्स यूज नॉक ऑफ ऑन वन ऑफ देम। चलो ये तो चला गया, नगाना डेल भी 54 का हो चुका है, सेफ गार्ड यूज़ कर रहा है। चलो अभी हम लोग इसको दिखाएंगे हम कौन है, ड्रैगन पल्स और एक नॉक ऑफ, आई गेस ये ख़त्म है, वन शॉट किल यार गाइज। नगाना डेल बहुत ओपी पोकेमोन है यार ये, मतलब जस्ट लाइक मेरा फेवरेट पोकेमोन भी बन सकता है, और एक तो ये शाइनी है, पूरा RCS की वाइब देता है। लेट्स सी यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या देखते हैं। ए मैंने कुछ तो फेंका अंदर, अरे यार मेरा एक वेस्ट हो गया, ओके कोई बात नहीं यार, इस पोकेमोन को उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड आई गेस हम लोगों को ब्रेंडन बोला था कि सैफ्रॉन में मिल, हम लोगों को सैफ्रॉन में या फिर किधर तो बोला था, आई डोंट नो मेरे को याद नहीं आ रहा है, आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना। फ़िलहाल तुम लोग के काम करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे टीम रॉकेट का बंदा है ना, आई एम गार्डिंग दिस पोस्टर, गो अवे और एल्स। और एल्स क्या ब्रो, आर यू गिविंग मी अ थ्रेट, नेस्टी प्लॉट, सकर पंच फेल्ड हो गया, एक और नेस्टी प्लॉज, ये फेल्ड क्यों हो रहा है सकर पंच, ड्रैगन पल्स अभी फेल्ड नहीं हुआ, ओके बट बहुत लेट हो चुका है हमारा। वो बीस्ट फूड, ये बीस्ट बूस्ट, ये क्या होता है कि अगर हम लोगों ने किसी पोकेमोन को फेंड कर दिया ना, तो हमारा मतलब पूरा जितने भी स्टैट्स है उसमें से कुछ रैंडमली बढ़ जाता है, ऐसा ही कुछ तो है। चलो ये तो वन शॉट किल होते जा रहे, काफ़ी अच्छी बात है। मेमेक्यू भी 51 का हो चुका है, आई मीन क्यूटी पाए। पिकाचू तो लाइट स्क्रीन सीख रहा है यार, सच बताओ पिकाचू यार तू अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, आई गेस तेरे पास, आई गेस गाइस आपको पता है यहाँ पे वो लाइट एक एक आइटम रहता है ना, वो पिकाचू लाइट बॉल ही रहती है आई गेस, जिसके बाद पिकाचू के इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स में थोड़ा सा दम आ जाता है। तो आप लोग मेरे को बताना कि ये लाइट बॉल जो भी रहती है, जो पिकाचू की पावर बढ़ाती है, वो इस गेम में कहाँ पे मिल सकती है मेरे को, क्या मेरे को इसको परचेज करना होगा या फिर मेरे को आइटम मिलेगा, तो अगर आपको पता रहेगा तो प्लीज़ बता देना मेरे को। फ़िलहाल तो लाइट स्क्रीन नहीं सिखानी है मेरे को। टीम रॉकेट, द टीम रॉकेट हाइड आउट माइट बी डिस्कवर्ड, आई बेटर टेल बॉस, ओके ये इस पोस्टर के बारे में बात कर रहा था। हे अ स्विच बिहाइंड द पोस्टर, लेट्स पुश इट, ओके तो यहाँ पे एक सीक्रेट स्टेयर केस ओपन हो चुका है, लेकिन उससे पहले एक मिनट, यहाँ पे मेरे को इस बंदे के साथ थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी यहाँ पे ये नहीं रहता है। वेलकम टू द कैसीनो, वुड यू लाइक टू प्ले अ राउंड ऑफ ब्लैक जैक, नहीं 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 सॉरी नो नो नो, आई एम अ चाइल्ड,
इन दिस गेम अ 10-year-old चाइल्ड सो आई कैन नॉट प्ले कैसिनो गेम्स। एंड यहाँ पे देखते हैं आगे क्या रखा है हमारे लिए। स्टॉप राइट देयर। ओके टीम रॉकेट, जेसी जेम्स एंड मियाउथ। मियाउथ बोल रहा है इट्स द ब्रैट फ्रॉम रूट 3। हाउ डेयर यू ह्यूमिलेट अस एट द रूट 3, इट्स पे बैक टाइम योर ब्रैट। ओके जेसी जेम्स के साथ फिर से बैटल। इनके पास 6 के 6 पोकेमॉन है। ओके गोस्ट टाइप एंड पॉइजन टाइप, नाइस। लेट्स यूज नास्टी प्लॉट फर्स्ट। एंड ये घोष टाइप है तो हम लोग इसके सामने यूज़ करेंगे वुड हैमर नहीं, ड्रम बीटिंग यूज़ कर लेता हूँ इसके सामने। हालांकि इसके सामने सुपर इफेक्टिव नहीं होगा, वो पॉइजन टाइप थी ना। ओके कुछ तो अटैक हुआ। एक बार दो बार नेस्टी प्लॉट हो जाने दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि असली मैच क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। प्ले रफ। ओके आरबॉक। ओके नाउ इट्स माई टर्न। अब ड्रम बीटिंग तू खा ले बेटा, तू तो घर पे जा। स्पेशल अटैक बढ़ गया मेरा नगाना डेल का। ड्रम बीटिंग से एक बार डिस्गाइज की एबिलिटी से सर्वाइव कर जाएगा। आई नो ब्रो, मेरे पास भी एक मिमिक्यू है तो मेरे को पता है। वीजिंग तू भी चला जाएगा। चल एक नॉक ऑफ मार लेता हूँ, तू चले जाना घर पे अभी, क्योंकि रिलाबूम का ताकत नहीं पता तेरे को। स्पेशल अटैक बढ़ रहा है यार, नाइस। ओके सर्वाइव कर गया समाओ। एक वॉबा फैट। ओके ड्रैगन पल्स फिर से और एक नॉक ऑफ फिर से और मेमे क्यू यू आर गोना डाई। चार्जर 56 का हो चुका है। फायर स्पिन सीख रहा है, नहीं यार फायर स्पिन अच्छा अटैक नहीं है। चलो मेमे क्यू भी इसका गया अभी, इखरा मतलब इनका आखिरी पोकेमॉन बाकी आई गेस। एक विक्ट्री बेल। ओके ड्रैगन पल्स और हम लोग यूज़ करेंगे डबल, ड्रैगन पल्स में चली जाएगी, इसलिए तो बोला था गाइस नगाना डेल इज़ ओपी, यू विल रिग्रेट दिस। टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ओके वी शॉल मीट अगेन। अरे बार बार क्यों आते हो तुम लोग। ओके यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, वेट करो मैं फट से पोकेमॉन हील करके आ जाता हूँ। ओके तो गाइज मैं फट से पोकेमॉन हील करके आ चुका हूँ, तो चलो फिर से नीचे जाएंगे एंड इस बार रॉकेट हेडआउट में जाके थोड़ा सा चेक करेंगे। पहले तो हम लोग नीचे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। वो यहाँ पे एक बैटल हो सकती है बट हम लोग इसको अवॉइड करेंगे। हम लोगों को यहाँ पे जाना किधर है? आई गेस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ बट इतना भी मेरे को ज़्यादा अंदाज नहीं है। बट लेट्स सी, रेयर कैंडी मिली फ्री की, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोगों को ऐसे जाना है आई गेस। चलो लेट्स गो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। यहाँ से इसके साथ बैटल नहीं करनी मेरे को। यहाँ से एक और रास्ता नीचे जा रहा है। यहाँ पे क्या मिला? मैक्स ईथर। ओके सही है। और ये कौन है? ये क्या अटैक है? लीच फैंग। ओके स्टील्स द इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूज हीलिंग और स्टेटस चेंजिंग मूव। ओके सही है। द एलिवेटर डजंट वर्क, हु हैज द लिफ्ट की? आई गेस यू हैव द लिफ्ट की। गिलिकेट। और ये कौन सा पोकेमॉन है? ड्राबा, आई डोंट नो। लेट्स यूज नेस्टी प्लॉट एंड गिलिकेट के लिए यही काफ़ी होगा। चलो एक पोकेमॉन तो चला गया इनका। रिलाबूम 57 का हो चुका है। हाइपर वॉइस, ओह काफ़ी अच्छा डैमेज दिया मेरे को। ड्रैगन पल्स, अच्छा ये ड्रैगन टाइप भी है। नॉक ऑफ। ओके बूम यार, वन शॉट किल। मैन यू आर ओपी। ओह नो आई ड्रॉप द लिफ्ट की। मेरे को पता था गाइस यहाँ पे मिलेगी हमें, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैंने फायर रेड खेल के रखा है ना। ओ यहाँ पे आई गेस वो लोग थे ना जो टीम रॉकेट के ऊपर थोड़ा सा जस्ट लाइक बच, जिसका नाम आई गेस केसी और बच रहता है, आई गेस ऐसे कुछ तो नाम रहता है, आई डोंट नो। हम लोगों के यहाँ पे बैटल नहीं करनी आप लोगों से, तो एक मिनट काम करते हैं, वेट करो मैं पोकेमॉन हील कर लेता हूँ फट से। ओके तो गाइज मैंने पोकेमॉन हील कर लिया, तो चलो हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पे मैंने इनके साथ बैटल तो नहीं की है तो मैं अवॉइड करूँगा बैटल को। वो यहाँ पे बैटल अवॉइड हो गई मेरी। ओके
मेरे को ये पहले पोकेबॉल लेना है, लेट्स सी। मूनस्टोन मिला, ओके, फ्री का मूनस्टोन। एंड यहाँ पे जाके देखते हैं ये, हाँ यहाँ पे क्या रखा है, हेरा हेरा, ओके हेरा क्रॉस का मेगा स्टोन, ओके। मेरे पास ये पोकेमॉन है ही नहीं, यहाँ से मेरे को यहाँ पे जाना होगा, फिर यहाँ से इसको उठाना होगा। TM12 टॉन्ट मिला, ओके। एंड यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, एंड यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ओके, ये काफ़ी इजी था। मेरे पास लिफ्ट की तो आ ही चुकी है, तो हम लोग अभी लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। एंड हम लोगों को जाना है बी फ्लोर फ्लोर पे। यहाँ पे आएगा, थोड़ी सी बैटल्स होगी हमारी। यहाँ पे एक पोकीबॉल, ओ दो दो पोकीबॉल है। TM77 फ्लेम चार्ज, ओके, और कैल्शियम, ओके। यहाँ पे मेरे को लगा ही था ये टीम रॉकेट के ऊपर वाले बंदे रहते हैं ना, वो रहेंगे, और इनके पास भी बहुत सारे पोकेमोन होंगे। तो चलो बैटल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आई नो यू, यू रुइंड अवर प्लान्स एट एम्प्टी मून। आ जाओ यार, सिंगल सिंगल, ओ सबके पास इतने सारे पोकेमोन हैं। नेस्टी प्लॉट, सकर पंच, ओके, फेल्ड हो गया, एक और फेल्ड होगा यार। ओपी मैन, ओपी। एयर कटर, ओके, तीसरी बार हिट हो गया। टेंट्रक रूल, ओके। स्लज वे, ओके, सवाम सर्वाइव कर गया, बट वो, बट ठीक है। हाइपर पोशन, मैं मेरा ड्रैगन पल्स वेस्ट नहीं करना चाहता, बस और कुछ नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हें अभी हरा दूँ। ओके, डबल टीम सीख रहा है ग्रीन निंजा, तेरी स्पीड ऑलरेडी बहुत है। क्यूटी पाई भी 52 का हो चुका है। हाउंडूम आ रहा है, ओके, ड्रैगन पल्स, मेगा इवोल्यूशन, ओके, नाइस। बट फायदा कुछ नहीं है, नगाना डेल के सामने कोई नहीं टिकेगा। सेबल आए, ओके, ड्रैगन टाइप मूव्स ज़्यादा सुपर इफेक्टिव नहीं होगी इसके सामने, बट ठीक है, कोई बात नहीं। नगाना डेल इज आउट ऑफ लीग मैन। वो चारिजार्ड भी है इसके पास, बट ये चारिजार्ड को मैक्स, मतलब डायनामैक्स कर सकती थी या फिर जाइगेंटामैक्स कर सकती थी। ग्रैनबल, ओके, अरे हाँ फेरी टाइप यूज नहीं होगा इसके सामने। लेट्स यूज फ्लेम थ्रोअर, और मैंने इसका मेगा चार, वो क्या बोलते हैं, मेगा स्टोन हटा दिया, तुम लोग यूज़ भी नहीं कर पा रहे, ओके, कोई बात नहीं। काम कर लेते हैं, इसका बैग में से जाके फट से मेगा स्टोन इसको दे देते हैं। किधर गया चारिजार्ड एक्स का, यूज़ नहीं करना, उसको देना है, और इसको हील कर लेंगे। हीलिंग का आइटम ऊपर गया आई गेस। किधर है, किधर है, किधर है, ओके, लेट्स सी। ओ हाइपर पोशन, 13 ही है मेरे पास, 13। नगाना डेल यार, यू आर जस्ट टू ओपी मैन, तू कहाँ था इतने टाइम से। सुपर पोशन भी देखे थे, ओके, चारिजार्ड के ऊपर यूज़ कर लेंगे, ओके, चलो सही है। इसके साथ भी बैटल करनी है। हाउ यू कैन नॉट सी द ब्यूटी ऑफ अवर ईविल, लेट सी ब्रो। मेरे को लगा ही था बचर केसी नाम था इनका। माइटी आना, ओके, डार्क टाइप पोकेमॉन, नेस्टी प्लॉट। ओ सुला दे, सुलाएगा मेरे को, हाँ ब्रेटा सुलाने की बात, ओके, आएगा चारिजार्ड वाई, सॉरी चारिजार्ड एक्स, लेट सी। शक्ल आ गया, ओके, हाइपर पोशन, बर्नी हो गया ब्रो तू। चारिजार्ड 57 का हो चुका है, फिर से एक माइटी आना आ रहा है। लेट्स यूज आउटरेज, एग्रॉन, ओके, एग्रॉन के लिए मैं शायद से चेंज कर सकता हूँ ग्रीन निंजा में। एंड अगर ग्रीन निंजा को इसने हरा, मतलब ग्रीन निंजा ने अगर हरा दिया ना, एक मिनट, ये रॉक एंड स्टील टाइप है ना, तो वाटर शुरिकेन इसके सामने, एक मिनट, ये मेगा इवॉल्व हो रहा है, नहीं यार,
हाइड्रो वर्टेक्स यूज़ करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। चलो ग्रेनिंजा ने अपना फॉर्म भी बदल दिया है, प्राइम एप, लेट्स सी। अब देखते हैं इसका वाटर शुरिकेन कितना स्ट्रांग है। ओके, थोड़ा तो स्ट्रांग हो, ओह बहुत स्ट्रांग हो चुका है यार। ओके, इतना भी स्ट्रांग नहीं है, बट ठीक है, ग्रेनिंजा काफ़ी अच्छी थी, वो फाइट अच्छी थी। मेरे को इसका ये पढ़ना है, एबिलिटी टफ क्लॉज बूस्ट मूव्स दैट मेक्स कॉन्टैक्ट। ओके, और इसका क्या था, बैटल बॉन्ड, ये तो वही है, इसको रखेंगे। ओके, विंग अटैक, क्लॉइस्टर के लिए पिकाचू अभी तो काम आ जाए, और अभी अगर तूने इसको वन शॉट किल नहीं किया ना ब्रो, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। अच्छा, हिटमॉन टॉप आ गया उसके सामने, चलो पैरालाइज तो हो गया। वाइल्ड चार्ज यूज करके देखते हैं, पिकाचू देख अब तो 55 लेवल का हो चुका है, अगर तूने अभी 48 लेवल क्लॉइस्टर को वन शॉट किल नहीं किया ना ब्रो। ओके, कर दिया, चलो अच्छी बात है, हम लोगों ने फाइनली इसको हरा दिया। तो एक काम कर लेते, वेट करो, मैं यहाँ पे पोकेमॉन हिल करके आपको मिलता हूँ। ओके, तो गाइज मैंने फिर से पोकेमॉन हिल करके आ चुका हूँ मैं, एंड अभी हमारी फाइट आई डोंट नो किसके साथ होगी। मेरे को पहले खांसी आ रही है तो खांसी लेने दो। कब से बोल रहा हूँ यार, थोड़ा तो खांसी आएगी ना। एक मिनट, ये कौन है? सो आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस यू गॉट हियर। टीम रॉकेट कैप्चर्स पोकेमॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। दे आर इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर कीपिंग अवर क्रिमिनल एंटरप्राइज गोइंग। ओके, आई एम द लीडर जियोवानी। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड बीट पहन के आ चुका है। फॉर योर इंसोलेंस यू विल फील अ वर्ल्ड ऑफ पेन। लेट सी, इसके पास 5 पोकेमॉन है एंड ये एक डबल बैटल होने वाली है। ओके, नेस्टी प्लॉट, ड्रम बीटिंग, क्योंकि ये ड्रम बीटिंग इसका ये है ना, सिग्नेचर मूव है। अरे समहाउ सर्वाइव। ओके, अर्थक्वेक, अरे ब्रो नहीं, वन शॉट किल, नहीं यार, वाटर शुरिकेन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाइड्रा वोर्टेक्स यूज करके कर लेंगे इसको, एंड इसको यूज करेंगे नॉक ऑफ, बग बज। ओके, ग्रेनिंजा अपना फॉर्म तो चेंज कर ही लेगा अभी। चलो, एश ग्रेनिंजा आ चुके हैं हमारे सामने गाइस। वो नॉक ऑफ देखो इसका कितना पावरफुल था। कंघास कान, ओके, आइस बीम से पहले इसको हटा देते हैं, एंड लेट्स यूज वुड हैम, नहीं ड्रम बीटिंग यूज करेंगे इसके सामने। सेस्मेटॉड, ओके, फ्लाइगॉन तो चला गया, ओ ये भी चला गया ड्रम बीटिंग, अरे यार सही है। ये लोग येल्लो हेल्थ पे आ गए। ओके, कंगास खान और ओ ये इसके लिए काफ़ी है। कौन सा यूज़ करूँ मैं, आइस बीम, वाटर शुरिकेन आई गेस, हाँ चलो, एंड लेट्स यूज ड्रम बीटिंग, मेरे को लगा ही था मेगा इवॉल्व होगा। प्लीज 3 बार हिट कर। ओके यार बहुत ओपी मूव है अनिकेत, यू आर राइट, यू वॉज राइट। ड्रेन पंच, ओके, चारिज़ार्ड तेरे को आना ही पड़ेगा ब्रो। एक मिनट, मैंने हाँ आउटरेज, और लेट्स यूज नॉक ऑफ। चलो गाइस, हमारे पास चारिज़ार्ड है, आप कैसे भूल सकते हो, हम जियोवानी से थोड़ी हारेंगे। व्हाट दिस कांट बी, वी गॉट 20,000 पोके डॉलर। आई सी दैट यू रेस पोकेमॉन विद एटमॉस्फेयर। A child like you would never understand what I hope to achieve. I shall step aside this time. I hope you meet again. Okay. यहाँ पे क्या मिला? Self scope. Okay. I don't know इसका क्या use है. अभी बोलो हमसे क्या बोलोगे? Do you have any something against Team Rocket? Yes, I have.
आई हेट यू गाइज बॉस आई एम सो सॉरी आई फेल्ड यू। अरे कोई बात नहीं, होता है। तो चलो हम लोग यहाँ से अभी निकलने के ट्राई करेंगे। आई गेस हम लोग अभी यहाँ से आए थे ना, तो हम लोग यहाँ से ही जाएंगे, क्योंकि जहाँ से आए थे वहीं से जाना होना, मतलब जाना चाहिए। ओके यहाँ से नहीं आए थे, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। तो गाइज़ आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद है। आप लोग मेरे को बताना आज का एपिसोड देख के आपको कैसा लगा, मज़ा आई कि नहीं। मतलब आज के एपिसोड में हम लोगों ने एरिका को हरा दिया, वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ। प्लस आज के एपिसोड में हम लोगों ने जीववानी को भी हरा दिया, उसकी तो पूरी धज्जियाँ उड़ा दी उसकी पूरी टीम की, हमारे नगानाडेल, हमारे चारिजार्ड, हमारे रिलाबूम ने। तो गाइज़ आप लोग बताना आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक मारो, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब मारो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।